बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स हम पिछली वीडियो में पढ़ाए हैं और बाकी कुछ टाइप्स हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इंटू कॉलम्स और कॉलम्स इंटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। मतलब ये है कि अगर एक मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स हासिल होगा उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में अगर देखें तो अब सबसे पहले मैट्रिक्स ए है, तो अगर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना होगा तो हम यहाँ पर ए के ऊपर स्मॉल टी को जाहिर करेंगे और ट्रांसपोज जब लेना होगा तो रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे। जैसे वन टू माइनस वन, तो ये रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, वन टू माइनस वन। अब ये रो थी, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसके बाद दूसरी रो है टू वन फोर, तो इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे, टू वन और फोर। इसके बाद है थ्री ज़ीरो टू, ये रो है तो इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, थ्री ज़ीरो टू। अब मैट्रिक्स ए की रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, तो जो बदले में ये मैट्रिक्स हमारे पास आया है इसको हम ए का ट्रांसपोज कहेंगे, यानी कि हमने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया है। इसके बाद मैट्रिक्स बी है, अगर इसका ट्रांसपोज लेना हो तो इसकी रोज को कॉलम या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर बी की ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पर बी के ऊपर ट्रांसपोज को जाहिर करेंगे, उसके बाद वन ज़ीरो टू, ये रो है इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, वन ज़ीरो टू। उसके बाद है टू माइनस वन थ्री, ये रो है तो इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे, टू माइनस वन और थ्री। तो ये जो बदले में हमारे पास मैट्रिक्स आया है, रोज को कॉलम में चेंज करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि ये हमने बी का ट्रांसपोज लिया है। अब इसके बाद है नेगेटिव मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन है लेट ए बी अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स देन इट्स से नेगेटिव ए इज ऑब्टेंड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हमने उसका नेगेटिव लेना है, हमने मतलब नेगेटिव ए मालूम करना है, तो अगर हम मैट्रिक्स की एंट्रीज की तमाम साइंस चेंज कर दें तो हमारे पास नेगेटिव ए आ जाएगा। जैसे कि ये है मैट्रिक्स ए, तो अब हमने इसका नेगेटिव अगर लेना है तो यहाँ पर लिख देंगे नेगेटिव ए माइनस ए। उसके बाद हम इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के हम इसके तमाम साइन चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ प्लस का टू है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टू, प्लस का थ्री है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का थ्री, प्लस का वन है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का वन, उसके बाद माइनस थ्री है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का थ्री, उसके बाद प्लस का टू है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का टू, यहाँ पर माइनस का फोर है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का फोर। तो हम कहेंगे कि ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज कर दिया, जो प्लस के उनको माइनस में कर दिया और जो माइनस के उनको प्लस में कर दिया। अब जैसे कि अगला मैट्रिक्स बी है, अगर मैट्रिक्स बी का नेगेटिव हमने लेना होगा तो इसके भी इनकी भी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। जैसे हमने नेगेटिव बी लेना है तो यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव बी, अब यहाँ पर वन है पॉजिटिव वन है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन, यहाँ पर माइनस टू है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का टू, थ्री है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस थ्री, उसके बाद फोर है तो यहाँ पर आ जाएगा
माइनस फोर, यहाँ पर प्लस का फोर था, यहाँ पर माइनस का फोर आ गया है, तो इस तरह हम कहेंगे ये नेगेटिव वी है। अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा। मतलब एक मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो फिर भी ए के बराबर ही होगा। मतलब उसका ट्रांसपोज भी वैसा ही होगा जैसे मैट्रिक्स ए है। तो मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब हम एग्जांपल की तरफ देख लेते हैं और एग्जांपल को अगर देखेंगे तो समझने में आसानी होगी। जैसे अब देखें मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का अगर ट्रांसपोज हम लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो यहाँ पर आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के लिए हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। वन टू थ्री है तो ये रो है, वन टू थ्री रो है तो इसे कॉलम में चेंज कर देंगे वन टू और थ्री। उसके बाद अब रो नंबर टू है टू माइनस वन फोर, तो इसे कॉलम में चेंज कर देंगे टू माइनस वन और फोर। आगे थ्री फोर और ज़ीरो रो है तो इसे कॉलम में चेंज कर देंगे थ्री फोर और ज़ीरो। अब अगर हम ट्रांसपोज देखें तो वो मैट्रिक्स ए के बराबर ही है, मतलब उनकी तमाम एंट्रीज वो ही हैं। जैसे यहाँ पर वन टू थ्री है, यहाँ पर भी वन टू थ्री है, टू माइनस वन फोर, टू माइनस वन फोर, थ्री फोर ज़ीरो और थ्री फोर ज़ीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं जिसका अगर ट्रांसपोज लें लेकिन फिर भी वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए। जैसे हमने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया है तो वो फिर भी मैट्रिक्स ए के ही इक्वल है। तो नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसका ट्रांसपोज लें और उसका नेगेटिव वे लें तो वो दोनों इक्वल हों, तो उनको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे तो ये रो है, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया ज़ीरो टू थ्री, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया ज़ीरो टू थ्री, माइनस टू ज़ीरो वन, माइनस टू ज़ीरो वन, इस तरह माइनस थ्री माइनस वन ज़ीरो, माइनस थ्री माइनस वन ज़ीरो, ये इसका ट्रांसपोज ले लिया हमने। अब अगर इसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लें हम तो यहाँ पर ज़ीरो है, ये प्लस का टू है तो हमने माइनस का टू कर दिया है, अब यहाँ पर प्लस का थ्री है तो हमने माइनस का थ्री कर दिया है, इस तरह यहाँ पर पॉजिटिव टू है तो यहाँ पर नेगेटिव टू है तो यहाँ पर पॉजिटिव टू आ जाएगा ज़ीरो, पॉजिटिव वन है तो ये नेगेटिव वन आ जाएगा। उसके बाद माइनस थ्री प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद माइनस वन है तो यहाँ पर प्लस वन आ जाएगा, उसके बाद ज़ीरो। अगर हम देखें कि ए का ट्रांसपोज और नेगेटिव ए जो है, अगर इन दोनों की एंट्रीज देखें तो वो सेम है, तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया है और उसका नेगेटिव लिया है तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इट्स मीन कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट ऑल बी ज़ीरो। मतलब है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स को स्क्वायर होना ज़रूरी है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा अगर में से एक डायगोनल एंट्री, यानी कि डायगोनल एंट्री कौन सी होती हैं, ये जो होती हैं इस तरह करके जो ये वन टू थ्री हैं इनको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, यहाँ पर वन टू और टू इनको डायगोनल एंट्रीज कहेंगे,
इस तरह यहाँ पर अगर मैट्रिक्स सी में देखें तो 0, 1, 3 ये जो हैं एंट्रीज, इनको डायगनल एंट्रीज कहेंगे। तो कम से कम एक डायगनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। और उसके बाद जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होनी चाहिए। नॉन डायगनल एंट्रीज हैं जो ये वाली एंट्रीज हैं 0, 0, 0, 0, 0, जो ये एंट्रीज हैं ये ज़ीरो होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखें बी में भी ये नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, उसके बाद जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब है ये डायगनल मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर मैट्रिक्स सी में देखें तो इसमें कम से कम दो जो हैं एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो नहीं हैं और बाकी नॉन डायगनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अब स्केलर मैट्रिक्स में अगर देखें तो स्केलर मैट्रिक्स में बताया गया कि एक मैट्रिक्स अगर उसकी डायगनल एंट्रीज जो हैं वो सेम हों और नॉन ज़ीरो हों, मतलब इसके लिए शर्त यह है कि वो सेम हों और नॉन ज़ीरो हों। डायगनल एंट्रीज जो हैं वो ये वाली एंट्रीज हैं 2, 2 और 2, तो ये सेम है और नॉन ज़ीरो है। उसके बाद मैट्रिक्स बी में अगर देखें इसकी डायगनल एंट्रीज भी 3 और 3 हैं, यानी कि ये सेम भी हैं और नॉन ज़ीरो भी हैं, तो इट्स मीन कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसकी डेफिनेशन है अ डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगनल एंट्रीज आर 1 एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई। डायगनल मैट्रिक्स उस वक्त आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसकी तमाम डायगनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हों और उसे आई से ज़ाहिर किया जाएगा। अब जैसे मैट्रिक्स ए है, अगर मैट्रिक्स ए की डायगनल एंट्रीज को देखें तो ये सारी 1 है, 1, 1, 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में शर्त ये दी गई है कि इसकी जो डायगनल एंट्रीज हैं वो 1 हों। मैट्रिक्स बी को देखें तो मैट्रिक्स बी में भी डायगनल एंट्रीज 1 हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगनल एंट्रीज हों वो तमाम 1 हों। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।